हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी अपनी व्याकरण भारती पुस्तक, रफ कॉपी और पेंसिल्स लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मीन समान अर्थ देने वाले शब्द। सभी बच्चे अपनी अपनी व्याकरण भारती पुस्तक का लेसन नंबर 9 पेज नंबर 56 खोल लीजिए। तो बेटा, विषय शुरू करने से पहले हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द मीन सेम मीनिंग। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह एक शेर का चित्र है। यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, जंगल में शेर गरजा। यहाँ पर लिखा है, जंगल में सिंह गरजा। तो बेटा, आप समझे, रेखांकित शब्द शेर और सिंह दोनों शब्द लिखने में अलग हैं, लेकिन उनका अर्थ समान होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, यह फूल का चित्र है। बाग में फूल खिले हैं, बाग में पुष्प खिले हैं। तो बेटा, आप समझे, फूल और पुष्प दोनों शब्द लिखने में अलग हैं, लेकिन उनका अर्थ समान होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर चांद का चित्र है। रात में चांद दिखाई दिया, रात में चंद्रमा दिखाई दिया। तो बेटा, चांद और चंद्रमा शब्द लिखने में अलग हैं, लेकिन उनका अर्थ में मीनिंग समान होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह एक लड़की का चित्र है। इसका नाम सुमन है। सुमन पानी पी रही है, सुमन जल पी रही है। तो बेटा, इसमें पानी और जल दोनों शब्द लिखने में अलग हैं, लेकिन उनका अर्थ समान होता है। तो बच्चों, इन रेखांकित शब्दों को पढ़कर और चित्रों को देखकर हमने ये जाना कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यानी हम एक ही प्राणी, वस्तु व स्थान आदि को अनेक नामों से पुकार सकते हैं। नाम अलग हैं, परंतु उनका अर्थ एक ही है, यानी समान है। तो अब आप सब आ जाइए लेसन नंबर 9 और बुक में दी गई एग्जांपल्स मेरे साथ साथ पढ़िए। लेसन नंबर 9, शब्द भंडार, पर्यायवाची शब्द। चित्र देखकर उनके साथ लिखे शब्दों को पढ़ो। इस चित्र में आप देख रहे हैं, यह एक घर का चित्र है। घर बेटा, जहाँ हम रहते हैं। घर को हम आवास, सदन, आलय और गृह भी कहते हैं। ये चित्र आंख का है, जिसे हम देखते हैं। इसे हम कितने नामों से पुकार सकते हैं, जैसे आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। ध्यान से सुने बेटा, ये सभी शब्द समान अर्थ देते हैं, अर्थात समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। कुछ और पर्यायवाची शब्दों को जानो। माँ, अब आप देखें, माँ को हम माता, अम्बा और जननी भी कहते हैं। पानी, पानी की एग्जाम्पल हमने पढ़ी पहले भी। पानी, जल, नीर, अम्बू, अ के ऊपर बिंदी, ब को छोटा ऊ, अम्बू। फूल, फूल की एग्जाम्पल भी आपने पहले देखी है। फूल को हम पुष्प, सुमन और कुसुम कहते हैं। क को छोटा ऊ, स को छोटा ऊ, म कुसुम। पेड़, वृक्ष, व के पैमेरी, श क्षत्रिय, वृक्ष। तरु, विटप। हवा, हवा मीन्स वायु, पवन, समीर। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी वायु चल रही है, ठंडी पवन चल रही है, इत्यादि। सूरज, सूरज निकल आया, सूर्य निकल आया, स को बड़ा ऊ, य के ऊपर एक सूर्य, भानु। भ को आ, न को छोटा ऊ, भानु। दिनकर, वर्षा, बहुत तेज वर्षा हो रही है। बरखा, बहुत तेज बरखा हो रही है। बारिश, व को आ, र को छोटी ई, श, बारिश, बरसात। पक्षी मीन्स पंछी, खग, विहग। बादल, मेघ, गण, जलद। तो बेटा, आपने देखा हम एक ही शब्द को कितने नामों से पुकार सकते हैं।
सिर्फ नाम अलग है लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो एक जैसे हैं। दोस्त, दोस्त को हम मित्र कहते हैं। सखा, मित्र, जैसे रोहन मेरा दोस्त है, रोहन मेरा मित्र है इत्यादि। तो बेटा आप समझे, ये दोस्त, मित्र इत्यादि शब्द लिखने में अलग है लेकिन उनका अर्थ समान होता है। बेटा, पुत्र, प को छोटा उ, त्र पुत्र, सुत तने, त न य तने, बेटी पुत्री सुता तना, त न य कुआ तन्या। तो बेटा ये लर्न करना भी आसान है। बेटा पुत्र सुत तने, बेटी पुत्री पुत्र पुत्री, सुत सुता तने तन्या। रात्रि, रात, निशा, न को छोटी ई, श कुआ निशा, यामिनी, य कुआ, म को छोटी ई, न को बड़ी ई, यामिनी। तो बेटा आप समझ रहे हैं ना, ये शब्द लिखने में अलग है लेकिन उनका अर्थ समान होता है। जैसे शरीर, शरीर को हम देह, तन और बदन भी कहते हैं। सुबह, सुबह, प्रातः, प के पैर में पदेन, आ त के पैर में विसर्ग, प्रातः भोर सवेरा। दीपक, दिया, द को बड़ी, य को आ, दिया, दीप, चिराग। संसार, स के ऊपर बिंदी, स को आर, संसार, विश्व, दुनिया, जगत। धरती, धरा, ध, र को आ, धरा, भूमि, ब को भड़ा ऊ, म को छोटी ई, भूमि, जमीन। पर्वत, पहाड़, गिरी, भूधर, जंगल, वन, कानन, अरण्य। अब आपने देखा बेटा, जंगल को हम कितने नामों से पुकार सकते हैं, वन, कानन, अरण्य। चंद्रमा की भी एग्जाम्पल आप पहले पढ़ चुके हैं, चंद्रमा, चांद, शशि, म्यंक, आकाश, गगन, अंबर, आसमान। तालाब, ताल, पोखर, प को छोटा ओ, खर, पोखर, सरोवर। बगीचा, बाग, उपवन, उद्यान, उ द के पैर में हलंत, यकु आन, उद्यान। शिक्षक, श को छोटी ई, श क्षत्रिय, क शिक्षक, शिक्षक मीन टीचर, गुरु, आचार्य, अध्यापक। तो बेटा शिक्षक, जैसे शिक्षकों का सदैव सम्मान करो, गुरुजी को प्रणाम करो, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, इन वाक्यों में शिक्षक, गुरु, अध्यापक शब्द अलग अलग होते हुए भी एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो बेटा आज के आपने इस सेशन में जाना, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, अर्थात इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आशा है कि आपको यह विषय समझ आया होगा। अब आपने भी इस विषय को दो बार पढ़ना है और इसमें दिए गए शब्दों को दोहराना है, और अब आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स रफ कॉपी पर लिखेंगे और अपने माता पिता से चेक करवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।